बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। फौजिया इज़ हेयर एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथी फौजिया। आप लोगों को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद उल अज़हा बहुत अच्छी गुजरी होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डेफनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द डेफनेस एंड वट आर द कॉजेज एंड वट आर द टाइप्स ऑफ द डेफनेस। आज मैं आप लोगों के पास जो वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसन्स के बारे में बताऊँगी विच आर बींग यूज फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द डेफनेस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी इज टाइप ऑफ अ सिस्टम विच इज़ वेरी होलिस्टिक एंड इन दिस सिस्टम वी आर नॉट ओनली ट्रीटिंग द डिजीजेज बट वी आर ट्रीटिंग द होल इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ द टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम्स। हम एक पूरे इंडिविजुअल को ट्रीट कर रहे होते हैं और उसकी तमाम सिम्टम्स को जो है वो हम लेकर चल रहे होते हैं इसमें, जिसके नतीजे में हम एक मेडिसिन जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो आज मेरी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, चिनोपोडियम, जो कि बहुत ज़्यादा इस मसले के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसकी जो सिम्टम्स आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसका कॉमन नेम जो है वो जेरूसलम ओक है और इसमें जो सबसे पहली अलामत देखी जाती है कि इसमें जो हमारी ऑडिटरी नर्व होती है जो कि ब्रेन तक लेकर जाती है एक आवाज़ को, जो कि एक एम्पलीफाइड साउंड होती है, और कोई भी डेफ पर्सन जो है ही इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द स्पीच, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्पीच। उस शख्स की ऑडिटरी नर्व की अगर तो वीकनेस हो गई है एंड ही इज़ नॉट एबल टू लिसन द साउंड, वहाँ पर आपने चिनोपोडियम का इस्तेमाल करवाना है एंड दिस मेडिसिन विल बी यूज्ड इन द 30th प्रेगनेंसी। इसके अलावा इसमें बेटर हियरिंग ऑफ हाई पिच साउंड्स जो है उसका इशू आ रहा होता है। इसके अलावा टेनाइटस का प्रॉब्लम भी होता है। टेनाइटस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्तलिफ किस्म की बजिंग साउंड्स आना, हिसिंग साउंड्स आना, रिंगिंग कानों में महसूस होना, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द साउंड्स एंड डिस्टर्बेंसेज विच आर फेल्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ द टेनाइटस। तो टेनाइटस के लिए भी चिनोपोडियम जो है बहुत अच्छा काम करती है। एक और इसमें जो प्रॉब्लम है वो है ग्रेट पेन इन राइट शोल्डर ब्लेड। इसके पेशेंट को जो है वो अपने राइट शोल्डर का जो बैक साइड पे ये ब्लेड होता है हमारा, वहाँ पर इसके पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है। तो इन सारी सिम्टम्स को सामने रखते हुए आप लोगों ने चिनोपोडियम का इस्तेमाल करवाना है जो कि 30 की प्रेगनेंसी में है, और आप इसे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करवाएँ। इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि इसके पेशेंट में जो है वो टॉन्सल्स का इशू आ रहा होता है, उसके टॉन्सल्स जो हैं वो बड़े हो गए हों, और हमेशा गले की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ आप देखेंगे कि जो कान का इशू होता है वो ज़रूर इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो सेम इज़ द केस इन हेयर। आपने चिनोपोडियम यहाँ पे यूज़ करवानी है सुबह, दोपहर, शाम। इसके 5-5 ड्रॉप्स जो हैं वो आप लें इंशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, टॉप ग्रेड मेडिसिन है, इससे बहुत जल्द आराम आ जाता है। जो इसके बाद दूसरी मेडिसिन का मैंने सिलेक्शन किया है वो काली म्योर है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह एलोपैथी में हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए काली म्योर बहुत अच्छा काम करती है। काली म्योर एक साल्ट है और इसको हमने लो पोटेंसी में लेना है और ये उतना ही अच्छा काम करती है। काली म्योर को हम 6x की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं। अब काली म्योर के जो सिम्टम्स हैं मैं वो आप लोगों को रीड करके बताती हूँ कि इसमें जो सबसे पहली अलामत देखी जाती है वो इन्फ्लेमेशन है, वर्म का आ जाना, यानी कि इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ इनर ईयर है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा कान जो है वो तीन हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया हुआ होता है बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आउटर ईयर, देन मिडल ईयर एंड देन द इनर ईयर। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है वो मिडल ईयर की है, वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन जिसमें कि स्वेलिंग भी है, रेडनेस भी है, पेन भी आ रही होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनर ईयर के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही होती है। इसके बाद एक और चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है, कान के अंदर शोर बहुत ज़्यादा महसूस होता है पेशेंट को, नॉइज़ आ रही होती हैं उसको डिफरेंट टाइप्स की। इसके अलावा इसमें स्वेलिंग जो है वो पेशेंट के चीक्स में आ रही होती है, रेलिवेंट ईयर के साथ जो उसका चीक होगा वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी, उसको पेन भी इसमें बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। इसके अलावा स्वेलिंग आपको उसके चीक के अराउंड जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे भी स्वेलिंग आ जाती है, उन ग्लैंड्स में भी स्वेलिंग आ जाती है। एक लास्ट इसका सिम्टम जो देखा जाता है कि काली म्योर के पेशेंट को हमेशा फैटी फूड्स लेने के बाद जो है वो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, और इस प्रॉब्लम के साथ जो है बाकी कान की जो अलामत हैं, गले की हैं,
जो कान के साथ सलाइवरी ग्लैंड्स हो सकते हैं, इनमें भी जैसे मम्स के इशू में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मम्स भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि डेफनेस का कॉज बनती है। तो इन सारे केसेस में आपने काली म्योर को याद रखना है, और काली म्योर जो है वो आपको टैबलेट्स की फॉर्म में मिल रही होगी, आपने इसकी 4-4 टैबलेट्स जो हैं, अगर तो एक्यूट फॉर्म है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है कान में और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आपने 4-4 टैबलेट्स जो हैं वो 3-3 घंटे के इस्तेमाल वक्फे से इस्तेमाल कर लें। और अगर तो आपका ये क्रॉनिक इशू हो चुका है, काफ़ी पुरानी ये प्रॉब्लम आपकी चल रही है, तो फिर आपने दिन में 3-4 टैबलेट्स जो हैं वो लेनी है, और इसके साथ पानी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 4 टैबलेट्स लें और उसको मुँह में रखें और वो बहुत ही मज़े से, बड़े ही आराम से वो ज़बान के ऊपर डिज़ोल्व हो जाती हैं और आप इनको खा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इसमें हम यूज़ करते हैं वो है सिलीशिया। सिलीशिया को 30 की पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करवाना है, और इसके जो पेशेंट होते हैं वो स्पेशली इसकी ये सिम्टम है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो नॉइज़ की तरफ, किसी किस्म का भी अगर शोर होगा तो उसका पेशेंट जो है वो बहुत सेंसिटिव होगा। जो इसमें सेकेंड चीज़ देखी जाती है वो रोरिंग साउंड्स आ रही होती हैं इसके पेशेंट को, कि वो इसको कानों में ऐसी आवाज़ें फील हो रही होती हैं। जो थर्ड नंबर पे है वही बात आ जाती है कि जैसा कि हम एक जनरल एक पिक्चर जब सिलीशिया की देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसका पेशेंट जो है ही इज़ ऑलवेज सेंसिटिव टू द कोल्ड वेदर, और वो बहुत जल्दी कैच करता है ठंड के साथ, बहुत जल्दी वो जो है वो उसमें ससेप्टिबिलिटी होती है, वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को कैच कर रहा होता है। एक तो ये इसका सिम्टम हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो पेशेंट होता है उसके कान से डिस्चार्ज आ रहा होता है, उसके कान से एक ऐसा मवाद निकल रहा होता है कि जिससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है वो इसके पेशेंट में देखने में आ रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर, इस पिक्चर को सामने रखते हुए आपने सिलीशिया को 30 की पोटेंसी में लेना है, सुबह और शाम इस्तेमाल करें इसके ड्रॉप्स, 5-5 ड्रॉप्स आप कर लें, आधे कप पानी में इस्तेमाल कर लें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसन है। और ये जो डिस्चार्ज आने की इसमें प्रॉब्लम हो रही है इसको तो ये बहुत जल्दी से कवर कर लेती है। और सिलीशिया एक ऐसी मेडिसन है कि जिसको होम्योपैथी में जो है वो सर्जन नाइफ के नाम से जाना जाता है, कि एक तरह से ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मेडिसन है कि जो आपकी बॉडी से जो फालतू मवाद है उसको ये काट फेंकती है और उसको ये एक्सपेल कर देती है। इसके बाद जो हमारी एक और मेडिसन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है वर्बेसिकम थैप्सस, और इसका जो कॉमन नेम है वो मलिन है। मलिन के नाम से ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक रेमेडी है। वर्बेसिकम जो है दैट इज़ मोस्टली एडमिनिस्टर्ड इन द केसेस वेयर द पेशेंट्स आर रिपोर्टिंग अबाउट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर एंड द नर्व केनाल। जो नर्व केनाल होती है वहाँ पे स्केली किस्म की वहाँ पे डिस्चार्ज आ रहा होता है। इसके अलावा समटाइम्स कान जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका होता है, ऐसी सिचुएशन में भी हमने वर्बेसिकम का इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा इसकी जो कान के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वर्म आ चुका होता है, उसकी वजह से भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रही होती है, वहाँ पे भी वर्बेसिकम का इस्तेमाल करवाया जाता है। एक और इसका सिम्टम जो है वो ये देखा जाता है कि इसका पेशेंट जो है वो सुबह, इसकी पेशेंट की जो कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो उसको ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही होती है, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है वो इसका बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन का टाइम चल रहा होता है, कि इस दौरान उसको बहुत ज़्यादा पेन्स महसूस हो रही होती हैं। तो मार्केट में मलिन ड्रॉप्स भी जो हैं वो कान के इस्तेमाल के लिए मौजूद हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम, उसके एक एक या दो दो ड्रॉप्स जो हैं वो मैक्सिमम है कि वो आप अपने जो अफेक्टेड ईयर है उसमें डाल सकते हैं। और अगर आप इस मेडिसिन को लेंगे तो ये 30 की पोटेंसी में आप लेंगे, और इसको जो है आपने सुबह दोपहर शाम इसके भी 5-5 ड्रॉप्स आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसन्स विच आर मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द डेफनेस एंड विच आर वेरी इफेक्टिव एंड यू हैव टू गो फॉर इट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द डाइट एंड व्हाट शुड बी द लाइफस्टाइल, कि जिसकी वजह से हम थोड़ा सा बेटर महसूस कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से हम किस तरह से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। अब जो चीज़ें आपकी आती हैं कि व्हाट यू हैव टू डू, इनमें सबसे पहली एक बात ये है, वही चीज़ के किसी किस्म की भी आपके अंदर बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन योर डाइट, आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है। इसके अलावा हेल्दी न्यूट्रिशन जो है उसकी तरफ आपने फोकस करना है। सेकंड चीज़ है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप लें, उनको धो के इस्तेमाल करें। इसके अलावा हो सके तो खुली हवा में मॉडरेट एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज जो है दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर एवरी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, यू हैव टू कीप अ स्पेशल रूटीन।
और ये एक्सरसाइज जो है ये आपको वैसे भी फिजिकली भी आपको हेल्दी रखती है। मैं ये कहूँगी कि फिजिकली एज वेल एज यू विल बी मेंटली हेल्दी। इसके बाद एक और चीज़ जो है, पानी का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा करना होगा कि आप पानी का जो इनटेक है वो एडिक्वेट होना चाहिए आपका। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज फ्लूड्स होते हैं वो ड्रेन हो जाते हैं आपकी बॉडी से। अब वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, विच आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। उसमें सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि स्ट्रॉन्ग किस्म की जो बीवरेजेज़ हैं, ड्रिंक्स हैं, लाइक कॉफ़ी है, उसमें हर्बल टीज़ हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं दे आर यूजिंग द अल्कोहल, दे शुड इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। उन्हें सबसे पहले तो ये छोड़ देनी होगी। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ आ जाती है वो है स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल आप कम करिए। आइसक्रीम्स जो हैं वो भी आप कम इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सेंटेड परफ्यूम्स जो हैं उनका इस्तेमाल कम करें। एक्सेसिव शुगर एंड साल्ट जो है, चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी आपको इस प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाता है। उसके बाद जो है कि इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप सो रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही साइड की करवट पे ज़्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए मत सोएं, और एक ही तरफ के कान के ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्ड हो जाता है। आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो अपना जो पोस्चर है उसको चेंज करते रहें। इसके बाद एक और चीज़ जो है कि जो लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए या तो जॉब्स करते हैं या डैम्प प्लेसेस पे रहते हैं जहाँ पे डैम्पनेस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे इग्नोर करें। थोड़ा सा अपने आप को धूप में रखें, बाहर आएं, खुली हवा में घूमें। इससे ये होता है कि आप फ्रेश एयर भी आपको मिल जाती है और कॉन्स्टेंटली आप जो एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं और जो आपके लिए नुकसानदेह है उससे भी आप जो है वो महफूज रहेंगे। तो ये तो थी आज की सारी मेडिसिंस जो कि लास्ट वीडियो के साथ रिलेटेड थी, और इसमें जो चीज़ें आपको करनी हैं, जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर दी हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें काइंडली। अगर आप किसी किस्म की कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।